नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैं आप सबका योगा ऑनलाइन पे स्वागत करता हूँ। पतंजलि योग सूत्र पे जो हमारी सीरीज चल रही है उसी को ही आगे बढ़ा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। ये पतंजलि योग सूत्र का जो वीडियो नंबर 5 है, भाग 5 है। अब तक हमने ये देखा था, महर्षि पतंजलि ने हमें ये बताया था कि मन में 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। पहली वृत्ति प्रमाण है, दूसरी विपर्यय है, तीसरी विकल्प है, चौथी निंद्रा और पांचवी समृद्धि। मन की 5 वृत्तियां हैं और ये 5 वृत्तियां क्लेश भी उत्पन्न कर सकती हैं और अक्लेश भी उत्पन्न कर सकती हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रमाण जो वृत्ति है उसके बारे में समझा था, कितने प्रकार के प्रमाण होते हैं और प्रमाण का मतलब क्या होता है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, समझा था। आज हम अगली वृत्ति के बारे में बात करेंगे जो कि पतंजलि योग सूत्र में सूत्र नंबर 7 है, जिसका मतलब है विप्र। जो वृत्ति है उसके बारे में बात करेंगे। विप्रय का मतलब ये होता है कि किसी एक वस्तु में अन्य वस्तु का मिथ्या ज्ञान होना, झूठा ज्ञान होना विप्रय कहलाता है। ये हमारे मन की दूसरी लिमिटेशन है, दूसरी मॉडिफिकेशन है, दूसरी वृत्ति है। वेदांत में जो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण दिया जाता है वो है रस्सी को साफ समझना, या फिर मरुस्थल में रेत को जल समझ लेना, और या फिर समुद्र में सीप को चांदी समझ लेना। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं जो वेदांत में दिए जाते हैं। तो जब हम रस्सी को साफ समझ रहे होते हैं तो दो प्रकार की गलती हम कर रहे होते हैं। एक तो हम रस्सी को रस्सी नहीं समझ रहे होते और दूसरा हम रस्सी को साफ समझ रहे होते हैं। रस्सी जो कि साफ है नहीं, उसको हम साफ समझ रहे होते हैं। यानी कि मन की एक वृत्ति है, मन की एक लिमिटेशन है कि वो अगर कोई चीज मन को समझ नहीं आती तो वो अपने अंदाज से, अपने तरीके से उसको एक रूप दे देता है, उसको एक नाम दे देता है कि ये चीज ऐसी हो सकती है। जो उसे समझ नहीं आ रही तो मन उसका एक झूठा मिथ्या ज्ञान पैदा कर देता है और उसके बारे में एक उसको एक अलग ही चीज बना के मन हमें दे देता है, और हम उसको उस मिथ्या ज्ञान को हम शब्द जो है सत्य मानने लगते हैं। उस मिथ्या ज्ञान को हम शब्द भी दे देते हैं और उसको सत्य मानने लगते हैं कि ये रस्सी दिखाई दे रही है, ये रस्सी ही है। तो ये हमारे मन का एक वृत्ति है। मन इस तरीके से सोचता है, मन इस तरीके से काम करता है, क्योंकि जितना हम मन के बारे में समझेंगे, जितना हम मन को जानेंगे, उतना ज्यादा हम मन को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो यहां भी वही बात है कि जैसे हर वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों होती है, दुखदायी होती है और सुखदायी भी होती है। तो अगर इस वृत्ति का प्रयोग भी अध्यात्म के लिए किया जाए तो ये अक्लिष्ट हो जाता है, और अध्यात्म के लिए नहीं किया जाए तो ये क्लिष्ट हो जाता है। इससे जो अगली वृत्ति है जो सूत्र नंबर 8 में बताई गई है, शब्द ज्ञान उपाधि वस्तु शून्य विकल्पा, इसका मतलब है, इस सूत्र का मतलब है कि किसी वस्तु के ना रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। वस्तु है नहीं, उसकी बात किसी ने सुनाई तो मन उसका चित्रण अपने आप कर लेता है, इसको विकल्प कहते हैं। ऐसा वैसा अक्सर होता रहता है और लगभग हर समय चलता ही रहता है। दिन भर सारा दिन हम बहुत सारे शब्दों के संपर्क में आते हैं, बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हुए या टीवी देखते हुए, इंटरनेट पे समय बिताते हुए, जब जब कोई शब्द आता है तो उससे संबंधित वस्तु हमारे मानस स्थल पर उभरती रहती है। ये हमारी चित्त की वृत्ति है, क्योंकि मन की कोई लैंग्वेज नहीं है, मन की लैंग्वेज वास्तव में पिक्चर ही है। तो मन जो है पिक्चर शब्दों के माध्यम से भी पिक्चरों को जनरेट कर लेता है, और इन शब्दों के जाल में फंसकर हम जो वस्तु जगत की कोरी कल्पनाओं को करते रहते हैं और कल्पना का जीवन जीते रहते हैं।
ये जो परिकल्पना होती है वो केवल शब्दों के माध्यम से होती है, और इन शब्दों के माध्यम से अपनी परिकल्पनाओं को करते हुए हम अपनी ही दुनिया में जीते हैं और खुद को खुश महसूस करते हैं, और उन्हीं शब्दों के कारण कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं, कभी दुखी भी हो जाते हैं। ये सब हमारे साथ रोजाना चलता रहता है, क्योंकि मन हर वक्त उसमें कुछ सोचता रहता है। और विकल्प यानी कि जब कोई चीज़ वास्तव में ना हो तो बहुत सारे विकल्प पैदा होते हैं, यानी कि ओरिजिनल ना हो तो जो चीज़ पैदा हो उसको विकल्प कहते हैं। लेकिन शब्दों के आधार पर चिंतन करने के भी अपने मायने हैं। बहुत सारी वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, महान कवियों की कविताएँ, संगीत, बहुत सारी कलाएँ शब्दों के चिंतन द्वारा ही पैदा हुई हैं। मजे की बात यह है कि इन सब का प्रयोग अच्छे के लिए भी किया जा सकता है और बुरे के लिए भी किया जा सकता है, वही क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली बात। हम अपने माइंड की इस वृत्ति का प्रयोग, विकल्प वृत्ति का प्रयोग किसी के बुरे के लिए भी कर सकते हैं, और जो महान खोजे करके जनमानस के अच्छे के लिए भी इस वृत्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अगली वृत्ति, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निंद्रा, अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निंद्रा है। इसको थोड़ा समझेंगे। जब व्यक्ति सो रहा होता है तो उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। मजे की बात है कि जब हम सो रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम कानों को बंद करके सोते हैं, आंखें जरूर बंद होती हैं, नाक भी खुली होती है, त्वचा खुली होती है, और फिर भी कान खुले होते हुए भी हमारे चारों ओर जो आवाज़ें आ रही हैं, किसने क्या बोला पता नहीं चल पाता, क्योंकि व्यक्ति सो रहा होता है। लेकिन मजे की बात यह है, निंद्रा भी चित्त की एक वृत्ति ही है, क्योंकि सोने के बाद, गहरी नींद लेने के बाद व्यक्ति को भान रहता है कि आज वो गहरी नींद सोया, यानी कि इस बात का पता रहता है, यानी कि कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जिसके कारण व्यक्ति को सोने के बाद मालूम पड़ता है कि आज उसने अच्छी नींद ली, जबकि इंद्रियां काम नहीं कर रही होती। इसका मतलब ये मन की वृत्ति है। उस वक्त आप काम नहीं कर रही होती, उस वक्त कान काम नहीं कर रहा होता, उस वक्त मुंह काम नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी सोने के बाद कोई ना कोई सिस्टम ऐसा है मन का, जो मन की ऐसी वृत्ति है जिसको हम निंद्रा कहते हैं, हमें मालूम पड़ जाता है कि हमने आज अच्छी नींद ली। यहां भी वही क्लिष्ट और अक्लिष्ट वाली बात हर वृत्ति पर लागू होती है, पता नहीं शुरू से ही कह चुके हैं। जब निंद्रा के बाद अच्छा रहने लगे, आनंद महसूस हो, तो समझ लीजिए जो वृत्ति अक्लिष्ट है, तो की ओर ले जाने वाली नहीं है। और सोने के बाद आलस आए, मन प्रसन्न नहीं हो, तो जो कृति है, विकृति है, वो पैदा होगी और मन प्रसन्न नहीं होगा, यानी कि क्लिष्ट वृत्ति उसको बोला जाएगा। बात इतनी सी है कि गहरी नींद के समय अगर सोने वाला जागता रहे तो समाधि हो जाएगी। कितना आनंद रहता है गहरी निंद्रा में, कैसे शरीर रिचार्ज हो जाता है, कितने भी थके हों फिर फ्रेश हो जाते हैं, जाने क्यों। ये जो जाने क्यों है, अगर ये हट जाए तो समाधि कहलाएगी। क्यों शरीर रिचार्ज हो जाता है, क्यों नींद के बाद आनंद से भर जाते हैं, अगर ये नींद के समय अगर चेतन रह सके तो बहुत बड़ा जो रहस्य है उससे पर्दा उठ सकता है। अब जो अंतिम वृत्ति है उसको बोलते हैं स्मृति। अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण होना स्मृति कहलाती है, याद रहना। चित्त में पड़े हुए संस्कार जब जागते हैं उन्हें स्मृति कहते हैं। संकल्प समाधि में ये स्मृतियां रहती हैं, लेकिन जब समाधि निर्विकल्प हो जाती है तो समय ये स्मृतियां भी समाप्त हो जाती हैं। हमारे चित्त में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सारे जन्मों से हमने बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है, और ये बहुत कुछ स्मृतियों के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, और ये विद्यमानता, उन स्मृतियों की विद्यमानता ही हमें संसार से जुड़े रहती है। समाधि में जाने से पहले भी ये विपरीत जो वृत्तियाँ रहती हैं स्मृति के नाम से, और उस समाधि को सर्विकल्प समाधि कहते हैं, मैंने बताया। जब वे वृत्तियाँ साथ छोड़ती हैं तभी जो समाधि का अंतिम रूप है, जब सब एक सार हो जाता है तो उसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं, तब हम उसको अचीव कर पाते हैं।
तो ये पांच प्रकार की वृत्तियां जो हमने आज डिस्कस की इस भाग में, पतंजलि भाग का जो सूत्र, जो भाग नंबर 5 है पतंजलि योग सूत्र का, तो आगे हम ये समझने की कोशिश करेंगे अगले भाग में कि इन चित्त की वृत्तियों को किस तरीके से रोका जा सकता है, इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।